हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? यार ये बहुत कैंडिड वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है? और मतलब आप में से काफ़ी बच्चे मुझे ऐसे बताए कि यार जिनके स्कोर अच्छे नहीं आए इस बार CUET में, और काफ़ी ज़्यादा लो स्कोर है, और काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फील कर रहे हैं कि यार हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, DU के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो यार ये वीडियो होने के लिए डेडिकेटेड है यार। तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करूँगा। मैं खुद DU से पास आउट हूँ, ठीक है, और लास्ट ईयर मैं ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो यार एक दो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यार पहली बात तो यही है कि देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एंडिंग पॉइंट नहीं होने वाला आपके लिए, राइट? आपको एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर आपके मार्क्स कम है जिसकी वजह से आपको बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा होगा, तो दिस इज़ नॉट दी एंड ऑफ योर लाइफ। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? आई नो कि आपको लग रहा होगा कि यार अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस में इतना बोल सकता हूँ कि यार अगर 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर आप खुद पे काम करते हो ना, तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा वैल्यूएडिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, ठीक है? अपने स्किल सेट पे काम करते हो, आप अपने आप को ऐसा बिल्ड कर लेते हो कि कॉलेज कुछ मैटर करेगा ही नहीं एक टाइम पे आके, राइट? आपको काम आता है, राइट? इंडस्ट्री में जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप फुलफ़िल कर सकते हो, वो गैप फुलफ़िल कर सकते हो ना, तो फिर आप चाहे SRCC कॉलेज से हो, फिर चाहे आप Tier 2 कॉलेज से हो या फिर Tier 3 कॉलेज से हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है? एंड ये अभी आपका स्टार्टिंग फेज़ है, ठीक है? फेलियर्स आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। हो सकता है कि आपका लक नहीं अच्छा था इस बार कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, हो सकता है कि आपके 12th में मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे एंड CUET में अच्छे मार्क्स ना आए होंगे। तो आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनको लग रहा होगा कि यार मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता था या फिर मैं बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था एंड मेरे मार्क्स उसके एक्सपेक्टेशंस के बराबर नहीं आए, ठीक है? तो अगर आपको नहीं भी मिल रहा ना कॉलेज एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो डोंट टेक इट लाइक यार सब कुछ ख़त्म हो गया, ये जस्ट एक स्टार्टिंग फेज़ है। इसके बाद और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी। आप ड्रॉप लेते हो तो नेक्स्ट ईयर आप फिर से दे पाओगे, ठीक है? अगर आप आज किसी और लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना कि एक तो आप अपना सर्कल अच्छा बनाना कॉलेज के अंदर, ठीक है? दूसरी चीज़ है आपका जो स्किल सेट वाली चीज़ है, तो जो मार्केट में डिमांडिंग स्किल्स है ना उस पर काम ज़रूर करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना, क्योंकि ये ऐसी स्किल है जो AI रिप्लेस नहीं कर सकती, राइट? आप किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है लॉन्ग टर्म में। नेगोशिएशन स्किल्स हो गई, ठीक है, इंटरेक्टिंग स्किल्स हो गई, आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर काम करना, ठीक है, सोशल मीडिया एक प्रेजेंस ज़रूर बनाना, पर्सनल ब्रांड पे अपने काम करना, ठीक है, कल को आप कुछ लॉन्च करते हो तो आपकी वजह से वो चीज़ बिक रही हो, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से स्किल्स बिल्ड करोगे ना तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिला। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी था कि यार मुझे SRCC जाना है, हिंदू जाना है, हंसराज जाना है, ठीक है, मेरे भी ये ड्रीम कॉलेज थे KMC रामदास, बट मुझे नहीं मिला एडमिशन, और मुझे मिला था शहीद भगत सिंह कॉलेज में एडमिशन, और कभी मेरे को ऐसा लगा नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके कि यार मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि मुझे SRCC हिंदू हंसराज नहीं मिला। रीज़न इसका यही था बिकॉज उन 3 साल के अंदर मैंने अपने आप पे काम किया था, मैंने स्किल्स बिल्ड की थी, मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया था, पर्सनल ब्रांड बनाया था, सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाई, ठीक है, एंड आज वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है, ठीक है? तो काफ़ी बच्चे ऐसे SRCC से जिनको मैं जानता हूँ, उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है। तो इट्स अ गेम ऑफ बिल्डिंग योर स्किल सेट्स एंड लेवरेजिंग दैट, ठीक है? तो हमेशा उस पर काम करना एंड डीमोटिवेट नहीं होना यार, क्योंकि कभी आपका अप चल रहा होगा फेस, कभी आपका डाउन फेस चल रहा होगा, और सीधी लाइन अगर होती है तो आपको पता है फिर कि क्या होता है, राइट? आप सबको पता ही है। तो बस एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से, तो डोंट बी डीमोटिवेटेड विद योर लॉ स्कोर्स, ठीक है? देखते हैं कौन सा कॉलेज मिलता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ को लेके, ठीक है? अपने आप को रिलैक्स फील कराना है, एंड ये वीडियो शेयर कर दो उनके साथ जो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, मिलेगा या भी नहीं मिलेगा, कहीं ये एंडिंग पॉइंट तो नहीं है या कोई डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं है। और आपको सबको पता है शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, ये एग्जैक्टली ये सेम चीज़ होती है, एक शीट ऑफ पेपर नहीं डिसाइड कर सकता आपका फ्यूचर, राइट? तो बस यार मुझे यही शेयर करना था बिकॉज मैं लाइव स्ट्रीम करता रहता हूँ एंड वहाँ पर काफ़ी बच्चों के डाउट्स आते हैं कि भाई यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके इमोशंस दिख जाते हैं यार जिस तरीके से तुम क्वेश्चंस पुट करते हो ना, पता लग जाता है कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो आई थॉट कि एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना दूँ, और रात के मैं 11:30 के आसपास अपलोड कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो आप देख रहे हो, आई होप कि आपको नींद अच्छे से आ जाएगी, एंड शेयर कर देना ज़रूर वीडियो को, ठीक है, ताकि बाकी सब भी रिलैक्स होके चिल करें एंड अच्छे से अपने प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस का देखें, एंड फिर अगर मिल भी रहा तो अच्छी बात है, नहीं भी मिल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दैट इज़ वट आई वॉन्ट टू से, राइट? ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।